आज का वीडियो किचन टूर और ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग है। तो ये हमारा किचन का ओवरव्यू है, यानी कि ये पार्लर किचन है। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट कैबिनेट से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ पे हमने रखे हैं क्लीनिंग एसेंशियल्स, जैसे कि डिश वॉशर, बार, स्क्रब्स। और इसका नेक्स्ट कैबिनेट है सिंक के ऊपर। ये जो किचन कैबिनेट है, इसमें हम डिशेस रख सकते हैं और उनका जो भी पानी होगा, जो भी वाटर होगा, वो ड्रिप हो जाएगा ट्रे के अंदर। और ये ट्रे आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे जो है हम प्लेट्स रख सकते हैं, और यहाँ पे बाकी के यूटेंसिल्स जो भी, जैसे कि ग्लासेस, कप्स एक्सेट्रा जो भी हैं, हम उसे रख सकते हैं। जितना भी एक्सेस वाटर है वो यहाँ नीचे जो ट्रे है उसमें जो इकट्ठा हो जाएगा, और बाद में आप उसे सिंक में थ्रो कर सकते हैं। जनरली ये जो डिश ड्राइंग रैक है वो सिंक के ऊपर ही होता है। और इसके बाद जो नेक्स्ट कैबिनेट है, इसमें हम ऑर्गेनाइज करते हैं एक्स्ट्रा कंटेनर्स। जितने भी बॉक्सेस होते हैं जो फ्री मिल जाते हैं, या जितने भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस होते हैं, वो इसी कैबिनेट में होते हैं। तो ये था अपर कैबिनेट। और इसके बाद हम बॉटम कैबिनेट्स पर आएंगे। ये जो लेफ़्ट का कैबिनेट है वो पिलर के साथ है, बहुत ही नैरो है। तो इसमें जितने भी एक्स्ट्रा बॉटल्स या फिर कंटेनर्स होते हैं, डिस्पोजेबल कंटेनर्स, वो हम रखते हैं। और इसके बाद सिंक का कैबिनेट है, जो कि सिंक के बॉटम का कैबिनेट है। इसमें एक साइड पे हमारा आरओ इंस्टॉल्ड है और दूसरी साइड पे डस्टबिन। और उसके बाद ये जो नेक्स्ट फोर ड्रॉर्स हैं, इससे पहली ड्रॉर जो कि सिंक के साथ है, उसमें हमने रखा है एक टब। इसमें हम कई बार बर्तन रख देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट ड्रॉर में कुछ सामान जो कि हम हार्डली यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और मीनवाइल, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो इस कैबिनेट में मैंने रखा हुआ है वाटर डिस्पेंसर है, ये पिंक कलर का। और उसके बाद एक अप्लाइंस, और साथ में ही है पेपर नैपकिन्स। और नेक्स्ट ड्रॉर में कुछ एक्स्ट्रा सामान है, इसे मैंने सारे बॉटल्स रखी हैं, और साथ में एक ऑर्गेनाइज़र है जो रिसेंटली परचेज करा। और नेक्स्ट कैबिनेट में हमने कुछ एक्स्ट्रा ग्रॉसरी का सामान रखा है, जैसे कि एक्स्ट्रा टी एंड शुगर, यानी कि चाय पत्ती और चीनी रखी है। इन्हें मैंने पिंक कलर के ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज करा, ताकि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो अच्छे से क्लियरली विजिबल हो। तो इस रैक में मैंने अपने सारे जो पल्सेस एंड लेंटिल्स है उन्हें ऑर्गेनाइज करा। तो जैसे कि ये पुल आउट ड्रॉर है, जो कि बॉटल ऑर्गेनाइज़र के लिए, बट मैंने इसमें अपने जो पैंट्री का सामान है वो ऑर्गेनाइज करा। और सेकंड रूल ये है कि जो आपको कंटेनर्स यूज़ करने हैं वो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगुलर शेप के हो, रादर देन सर्कुलर शेप,
बिकॉज़ जो आपके राउंड शेप कंटेनर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, और जो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप के कंटेनर्स होते हैं वो काफ़ी कम जगह लेते हैं। इसलिए जो हम कंटेनर्स यूज़ करेंगे वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो तो ज़्यादा अच्छा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्पेस जो है वो दोनों सेम है, और इसी स्पेस में जो रेक्टेंगुलर कंटेनर्स है वो 6 हैं, और जबकि जो राउंड कंटेनर्स है वो 4 हैं। और इसके बाद हम ओवरव्यू लेंगे दूसरी साइड के किचन का। तो जैसे ये मेरा किचन का व्यू है, तो स्टार्टिंग करते हैं अपर कैबिनेट से जो वाइट कलर का है। तो फ्रंट कैबिनेट में मैंने रखा जूसर, जूसर के साथ जो कैबिनेट है उसे मैंने ऑर्गेनाइज करे सारे कैसरोल्स, और चिमनी के साथ जो कैबिनेट है उसमें सारे ग्लास रखे हुए हैं, जितना भी सामान है जो ग्लास का है, जैसे कप्स, ग्लासेस, जग्स। और उसके साथ जो कैबिनेट है उसमें है वाटर डिस्पेंसर, जिसे हम बहुत रेयरली यूज़ करते हैं, और उसके ऊपर के जो कैबिनेट्स हैं सारे उसे हम यूज़ नहीं करते। और जो नेक्स्ट है वो है टॉल यूनिट, तो ये माइक्रोवेव और अवन के लिए, तो हमने यहाँ पे अवन इंस्टॉल नहीं कर रखा। तो जैसे कि ये माइक्रोवेव के बॉटम का कैबिनेट है, जिसमें हमने सारा एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड का सामान रखा हुआ है, जो कि शिफ्टिंग के काम आता है, जितने भी बॉक्सेस हैं इसे हम हार्डली यूज़ करते हैं। और उसके ऊपर जो है माइक्रोवेव है, और माइक्रोवेव के जो ऊपर का कैबिनेट है उसमें ये जो ब्लू ऑर्गेनाइज़र है, इसमें हम जितना भी एक्स्ट्रा ग्रॉसरी का सामान होता है वो रखते हैं। और उसके साथ जो बॉक्स है वो मैंने अभी परचेज करा है, इसे अभी ओपन नहीं करा। ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, और उसके ऊपर हमने कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जो हम यूज़ नहीं करते। तो जैसे कि ये टॉल यूनिट है विच इज़ मेंट फॉर माइक्रोवेव एंड ओवन। तो ये है मेरा अपर कैबिनेट का व्यू, और जो चिमनी के ऊपर का जो वाइट कलर है का फर्नीचर है वो फेक है, जस्ट उसको कवर करने के लिए।
और इसके बाद हम चलते हैं लोअर कैबिनेट्स पे जो कि ड्रॉअर्स हैं। तो ये है मेरी फर्स्ट ड्रॉअर, इसमें मैंने रखे हुए हैं सारे पतीले, साथ में ही सॉस पैन और उसके साथ मिक्सर ग्राइंडर के 2 जार्स। तो ये थी फर्स्ट बॉटम ड्रॉअर। और जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ड्रॉअर में रखे हुए हैं कढ़ाई और साथ में ही कुकर। तो जितनी भी कढ़ाई है वो एक के ऊपर एक है ताकि जो जगह है वो कम यूज़ हो। और नेक्स्ट ड्रॉअर में हैं छोटे बर्तन जैसे कि कटोरियाँ। तो जितने भी छोटे बर्तन हैं जैसे कि प्लास्टिक के, स्टील के और ग्लास के, सारे इसी में ही हैं। इस कैबिनेट की हाइट बहुत ही स्मॉल है। नेक्स्ट जो ड्रॉअर है इसमें हम रखते हैं आटे के पैकेट। तो आटे के पैकेट बहुत ही कम बार चाहिए होते हैं क्योंकि आटा खुला हुआ अलग पड़ा होता है। तो इसके ऊपर हम प्लेट्स रखते हैं बड़ी थाली। और जो नेक्स्ट ड्रॉअर है वो है कटलरी ऑर्गेनाइज़र। ये गैस स्टोव का बॉटम का ड्रॉअर है। जितनी भी कटलरी हैं, स्पैचुलाज हैं, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो हमने इसमें रखा हुआ है, बट जो डेली यूज़ का वो बाहर ही रहता है। इसमें रखा हुआ है जैसे कि स्पैचुलाज, स्पून्स, फोक, लेमन स्क्वीज़र, तड़का पैन, ऑयल ब्रश, लाइटर्स वगैरह। और इसके जो नीचे का कैबिनेट है, जो नीचे का ड्रॉअर है, उसमें हमने रखे हैं स्टील के बर्तन। तो यहाँ पे मैंने रखा है नॉनस्टिक पैन और साथ में ही छोटे स्टील के बर्तन जो डेली यूज़ में काम आते हैं, साथ में ही कोलांडर और कुछ एक्स्ट्रा स्टील के बर्तन। अभी मेरे को पैन ऑर्गेनाइज़र परचेज करना है, अभी हमने करा नहीं है। और जो नेक्स्ट ड्रॉअर है बॉटम ड्रॉअर है जिसे हम बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो बॉटम ड्रॉअर में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जैसे कि इडली कुकर, अपर पैन और जो ये नेक्स्ट है उसे भी हम बहुत ही कम रेयरली यूज़ करते हैं। इसके बाद जो अगला रैक है उसमें ऑर्गेनाइज करें अपने फ्लावर, जैसे कि इस वाले ड्रॉअर में आटा रखा हुआ है। और इसी के ऊपर जो है सूखा आटा और चकला बेलन और साथ में ही 3 कंटेनर्स हैं जिसे मैंने अपने स्पाइस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जो कि काफ़ी बल्क क्वांटिटी में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि पहले में नमक है, दूसरे में जीरा है साबुत और तीसरे में हल्दी है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही जो बेल आइकन है उसे क्लिक कीजिए ताकि जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिल पाए। और वीडियो के नीचे शेयर का आइकन है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप और फेसबुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।